हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपकी संजय यादव और हमारे संजय यादव शॉर्ट ऑफिशियल चैनल ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो जितने हमारे छोटे बड़े दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं उनसे नमस्ते प्रणाम कर रही हूँ। और आप सबका चाय पानी खाना पीना हुआ कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। और क्योंकि दोस्तों इस समय 9 बजने वाला है और आज तो फिलहाल मेरी तबीयत नहीं सही है, तो मैं सोची आप लोग से थोड़ा बात करती हूँ, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। और किसी चीज़ की टेंशन रहती है तो अगर हम किसी से बात कर लेते थे थोड़ा मन हल्का हो जाता है, तो मैं सोची कि चलो आप लोग से थोड़ा बात भी कर लूँ। तो आप लोग अभी फ़िलहाल देख ही रहे हैं कि शांति को बेबी हुआ है, तो भगवान करे अच्छे से रहें और अच्छा भी हुआ। ऑपरेशन तो ऑपरेशन की बात नहीं दोस्तों, ऑपरेशन तो आम बात हो गया है। ऑपरेशन तो बहुत से लोग के हो रहे हैं, ऑपरेशन की कोई टेंशन नहीं है। प्लीज़ बस शांति दीदी जहाँ रहे अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आज उनको मालती की याद आ रहा तो बहुत रो रहे हैं। और ऐसे ऐसे मतलब ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, जब कोई ऐसी बात ही आ जाती है कि झटका लग जाता है अपने परिवार का। एक बहन का दर्द एक बहन ही पूछ सकती है और कोई नहीं पूछ सकता है दोस्तों। तो आइए हम और आप लोग देखें कि निशा जलवंशी के यहाँ पता ना कैसे आग लग गई है। मैंने उतना वीडियो देखी नहीं हूँ, पर पोस्टर थोड़ा देखी हूँ और थोड़ा बहुत। मेरी तबीयत नहीं सही थी तो कुछ देखने का मन भी नहीं किया और फिलहाल ऐसे ही बैठी थी। आज रात से ये तबीयत मेरा ख़राब है, पता ना क्यों दोस्तों। रात को ऐसे नींद ही नहीं आ रही थी और पेट में दर्द, तो फिलहाल कुछ जब तबीयत नहीं सही रहता कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो आप लोग जान ही सकते हैं और आप लोग से क्या बताऊं, आप लोग बहुत ज़्यादा नीचे गिराते जा रहे हो। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कर नहीं रहे हो। आप लोग को वीडियो नहीं अच्छी लगती है, ब्लॉग नहीं अच्छी लगती है, हमको पता है आप लोग को नहीं अच्छी लगती है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। आप लोग ज़रूर एक छोटा सा कमेंट करिए तो हम सुधार करेंगे कुछ। अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो मतलब एक होता ना है कि कुछ आगे बढ़ने का मन भी नहीं करता है, कि मतलब पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या मतलब है ये सब करने से। और हम तो अपने मन में सोचते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। फिलहाल चलो, हमें आप लोग की उम्मीद है तो हम दूसरे की बातों में नहीं आएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और युवराज विष्णुराज से मिल सकता है कि नहीं, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, और घर आएंगे कि नहीं। और देखो जब अपना दिल तड़पड़ाता है, फड़फड़ाता है, तो विष्णुराज अपने बच्चे के लिए ज़्यादा तड़प रहे हैं। हो सके कि उन्हीं के चक्कर में बीमार हैं, क्या हैं क्या नहीं हैं। तो प्लीज़ जितने लोग विष्णुराज के चैनल से प्यार करते थे, उनको चाहने वाले हैं, उनके जाने माने वाले हैं, आप लोग एक बार मिलवाइए। और बात रही मालती के पापा की, तो प्लीज़ आप उनसे मिलवा दीजिए, युवराज को युवराज के पापा से मिलवा दीजिए। और मिलना ही बहुत अच्छा है क्योंकि वो मिलने से छील नहीं लेंगे, वे सकल सूरत देखेंगे। आज नहीं कल उनका तो है ही, लेकिन एक वही होता है कि जब जो जिस बात को करना है तब तो नहीं किए। आज ऐसी घटना होने पर तमाम लोग बातें अफवाह फैला रहे हैं, तमाम तमाम बातें निकल के सामने आ रही हैं और वो बातें आ रही हैं जिसमें कोई दम नहीं है, जिसमें कोई ताकत नहीं है, वही बातें आके छिड़ रही हैं। मतलब होता ना है एक फंसाने वाला बात। और उनके अंदर क्या कमियां थी क्या नहीं कमियां थी वो कोई नहीं जान रहा है। तो वही होता है, जब हम हारते हैं तो अपने से हारते हैं, जब कुछ होता है तो ऐसे ही होता है। तो क्या बताएं दोस्तों, आज तबीयत नहीं सही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। और
आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग प्यार दुलार नहीं दे रहे हैं, हमारा ब्लॉग नहीं अच्छा लगता है। बताइए आप लोग ऐसे करेंगे तो पब्लिक कैसे आगे बढ़ेंगी, नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप ऐसा मत करिए, आप एक छोटा सा कमेंट करिए और बताइए हमारा ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और मिलने मिलवाने का रात से बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं और महादेव ने बताया कि मतलब नहीं मिलने दिया जा रहा है युवराज को। तो प्लीज़ भैया आप कैसे ना कैसे करके युवराज से एक बार मिलवा दीजिए। कोई भी माँ बाप होता है अपने बच्चे के लिए बहुत तड़पता है, चाहे एक चींटी हो चाहे चिड़िया हो चाहे कुछ हो, उनका बच्चा तो बच्चा होता है। अगर आप लोग एक बार मिलवा देंगे तो हो सके उनको तसल्ली मिल जाए। 2-3 महीने हो गए और इसी से उनका तबीयत खराब होता होगा। तो अगर जितना ही कोशिश हो सकता है तो आप लोग ज़रूर उनको मिलवाइए। यही सब बातें हैं। तो दोस्तों क्या बताऊँ, आज हमारे यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, कभी बादल कभी धूप कभी छाँव, और अब ऐसे ही थोड़ा मौसम शिवरात्रि का आ रहा है तो शिवरात्रि से हो रही है, हो सके बारिश ना हो जाए। और अब जानते हो ये फागुन का महीना है तो आलसपन होता है, पता नहीं क्यों रात से इतना दर्द पेट में, क्या बताऊँ। और इतना टाइम भी मैं कुछ खाना पीना नहीं बनाए हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि उनका भी तबीयत नहीं सही था तो लोग नहीं गए। और मैं आप लोग सिर्फ चाय पी के बात ही कर रहे हैं, आप लोग चाय और पी लिए कि नहीं, नहीं पिए तो पी लीजिए। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, पता ना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखो शॉर्ट वीडियो मेरा आता है कि नहीं आता है, आप लोग इंतज़ार करिएगा, देखो आता है कि नहीं आता है। और एक छोटा सा कमेंट करके बताए दोस्तों क्या किया जाए, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, वीडियो बनाए कि ना बनाए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, कैसा है कैसा नहीं आप लोग एक सुझाव दीजिए। और आप लोग की अगर सलाह देंगे तो हम कुछ करेंगे, अगर नहीं सलाह देंगे तो कैसे करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं वो हमको कहते हैं, हमको बोलते हैं कि मतलब ब्लॉग बनाने नहीं आता है, वीडियो बनाने नहीं आता, नाचने नहीं आता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हमारे ब्लॉग में हमारे शॉर्ट वीडियो में क्या कमी होती है कि लोग ऐसे कहते हैं और देख के हंसते भी हैं। तो ये हंसने हंसाने वाली ऐसी लाइनें हैं, इसमें अगर हंसेंगे नहीं तो ये काम कैसे आगे चलेगा। तो यही समझदारी नहीं है, एक दूसरे को देख के हंसते हैं कहते हैं सोचते हैं पर अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि हम कैसे हैं, बताइए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। वो लोग अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं, दूसरे को उंगली उठाने को तैयार होते, उंगली उठाने लायक नहीं है जब भी उठाते हैं। कोई भी इंसान अगर एक दूसरे की बुराई कर रहा है तो मैं तो यही कहूँगी, और मैं तो दूसरे की बुराई करती नहीं, जल्दी जब कहने लायक बात आती तभी कहती हूँ। चलिए जाने तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। और चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो चाहे अगल बगल के कोई भी हो, अगर इंसान कोई चीज़ में तड़पड़ाता नहीं है तो इंसान सुनता है कैसे, जानता है कैसे। तो वो चीज़ की हमें गम नहीं है, हमें अपना काम करना है। तो आप लोग एक सुझाव, आप लोग से मैं बताई हूँ एक सुझाव देने के लिए कि इस के मामले में आप लोग एक सुझाव दीजिए हमको कि हम क्या करें, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। आप लोग सपोर्ट करिए और एक प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके बताइए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस यही। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे बढ़ाइए, जितने हमारे न्यू दर्शक लोग नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा प्यारा से कमेंट करिए, अपनी अपनी राय अपनी अपनी सलाह दीजिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं बताते हैं तो हमारी और हौसला बढ़ेगी कि हमारी पब्लिक हमारे साथ है।
और क्या कहा जाए, यही सब होता है। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। हमारा ब्लॉग कैसा लगा था आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।